पवनदीप महादेव में बहुत विश्वास रखते हैं। यूं कहें कि वो उस शहर के हैं जहां महादेव बसे हैं और वो शहर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के चंपावत में जरूर रहते पवनदीप, लेकिन केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए वो चक्कर लगाते ही रहते हैं और जब भी वो फ्री होते हैं सबसे पहले केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और जब भी किसी ऐसे शहर जाते हैं जो शिव जी के लिए जाना जाता है वहाँ वो जरूर जाके शिव जी के दर्शन करते हैं। असम में प्रोग्राम करने से पहले पवनदीप ने शिव सागर पहुँचे शिव जी के दर्शन किए जिसकी वीडियो साफ देखी जा रही है। वीडियो में पवन अपने टीम के लोगों के साथ एक मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बैठे नजर आ रहे हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और मंदिर से जब वो बाहर निकलते हैं तो वहाँ के कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं, उनके साथ बातें करते हैं और पवनदीप उनके साथ फोटो भी क्लिक करवाते हैं। पवनदीप उन फैंस से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पवनदीप अपने करियर में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन वो उस शहर से आते हैं जहां भगवान के लिए बहुत आस्था है। यूं कहें कि पवनदीप अपने काम की शुरुआत करने से पहले शिव जी को नमन करते हैं और जब भी वो अपने घर जाते हैं वहां के मंदिरों में घूमते हैं। आप पवनदीप की इस वीडियो को देखकर और पवनदीप के नेचर को देखकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 24 दिसंबर को अरुणिता कांचीलाल का कोलकाता में प्राइवेट शो हुआ। इस शो में अरुणिता के संग पवनदीप नहीं पहुंचे। जी हां, पवनदीप को नहीं बुलाया गया बल्कि उनकी जगह मोहम्मद फैज पहुंचे। मोहम्मद फैज अब अरुणिता कांचीलाल के संग उनके शहर कोलकाता पहुंचे। सुबह साउंड चेक करते वक्त बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। अरुणिता और फैज ने मंच हिलाकर रख दिया। वही आपको बता दें ये शो प्राइवेट था। जी हां, किसी वेडिंग फंक्शन में अरुणिता कांचीलाल और फैज को कलकत्ता होटल में बुलाया गया था। यहाँ काफी सारे लोगों का इंतजाम था और इस आलीशान होटल में अरुणिता ने अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। इन्हीं में से एक अरुणिता और फैज का खास स्वागत भी किया गया। सुबह के वक्त फैज साउंड चेक करते दिखाई दिए। अरुणिता यहाँ फंक्शन करने के बाद लोगों से मिली और खूब एंजॉय भी किया, नाच गाना भी किया। लेकिन इस बीच लोगों ने पवनदीप को बहुत मिस किया। लोग पवनदीप के बारे में सवाल पूछते नजर आए। अरुणिता के साथ पवनदीप को न देखकर लोग निराश भी हुए कि आखिर पवन को क्यों नहीं बुलाया गया। क्या अरुणिता पवन के संग जाने के लिए तैयार नहीं थी या फिर पवनदीप अपने शो में बिजी हैं? तो फैंस, ऐसा ही हो सकता है, पवनदीप अपने अपकमिंग शो में भी बिजी हो सकते हैं। जी हाँ, 27 दिसंबर को पवनदीप का भी असम के शिव सागर में कॉन्सर्ट होने वाला है जिसकी तैयारियों में पवनदीप बहुत बिजी हैं। और अभी अभी तो पवनदीप अरुणिता का तेरे नैना सॉन्ग भी रिलीज हुआ है जिसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। पवन अरु का ये गाना अब तक करोड़ों व्यूज पा चुका है। आपको इनका ये सॉन्ग कैसा लगा और सबसे बेहतरीन सीन कौन सा था कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप के नए गाने का एक पोस्टर सामने आया है जिसमें पवनदीप के संग इस बार अरुणिता कांचीलाल नहीं दिखाई दी बल्कि एक सुपरस्टार हसीना को देखा जा रहा है। जी हां, इस बार पवनदीप को अरुणिता के संग नहीं बल्कि पंजाब की कैटरीना और देश की शहनाज गिल के संग देखा जा रहा है। जी हां, पोस्टर में पवन के संग शहनाज गिल के अलावा करण कुंद्रा भी दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5-6 दिन पहले पवन ने एक गाना रिकॉर्ड करवाया था जिसका नाम है मेरा रब है तू। इस गाने में पवन के संग शहनाज गिल और करण कुंद्रा भी नजर आ रहे हैं। गाने की पूरी डिटेल सामने नहीं आई लेकिन गाने में आवाज तो पवन की सुनाई दे रही है। लेकिन फैंस हैरान है कि पवनदीप ने अपने इस गाने की कोई अपडेट क्यों नहीं दी। और अगर पवनदीप इस गाने में शामिल नहीं होते तो पोस्टर में पवनदीप का फोटो भी ऐसे ही नहीं दे दिया जाता। कल इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है लेकिन इतना जरूर पता है कि पवनदीप बहुत टाइम से शहनाज गिल के साथ काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है अब वो दिन आ गया जब पवनदीप शहनाज गिल के संग काम करने वाले हैं। अब शहनाज गिल है ही ऐसी कि उनकी दोस्ती हर किसी से हो जाती है। हाल ही में शहनाज गिल का घनिश्यानी गाना रिलीज हुआ था जो कि सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। इस गाने में सना ने कमाल की एक्टिंग की है। इस गाने का प्रमोशन करने शहनाज गिल इंडियन आइडल 13 के मंच पर भी गई थी और अब देखना होगा कि वो पवन अरुणिता के संग कब और किस प्रोजेक्ट में काम करने वाली है। शहनाज गिल का इंतजार किया जा रहा है जब वो पवनदीप के संग या फिर अरुणिता के संग काम करेंगी। आप शहनाज गिल और पवनदीप अरुणिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फाइनली पवन अरुणिता का तेरे नैना सॉन्ग रिलीज हो चुका है। गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धमाल मच गया है। हर तरफ पवन अरुणिता की चर्चा हो रही है। लोग बार बार अरुदीप के इस गाने को देख रहे हैं और तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। तारीफ में कोई रोमांटिक कपल लिख रहा है तो कोई बॉलीवुड की बेस्ट जोड़ी बता रहा है तो कोई ये भी कह रहा है कि पवन अरुणिता को अपना प्रोडक्शन हाउस खोल ही लेना चाहिए क्योंकि ये सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग भी मस्त करते हैं। वही कुछ लोगों ने इनकी शादी की बात भी छेड़ दी।
तरह तरह की बातें हो रही हैं, आप इनके बारे में क्या कहने वाले हैं ये तो पता नहीं, लेकिन गाना देखने के बाद यकीनन आप भी इन्हें बिना कमेंट किए रह नहीं पाएंगे। जी हाँ, पवन अरुणिता के तेरे नैना गाने के सीन बता रहे हैं कि भाई कमाल हो गया, धमाल मच गया। अरुणिता पवन ने सबकी हवाइयां उड़ा दी है। एक दूसरे को देख कर नजरें छुपाना, शर्माना और नजरें छुपा छुपा कर प्यार करना। जी हाँ, लद्दाख की खूबसूरत सड़कों पर ये गाना शूट किया गया है। लद्दाख के बहुत ही प्यारे प्यारे सीन दिखाए गए हैं। अरुणिता एक बच्चे को लेकर घूम रही हैं, तो दूसरी तरफ पवन कुछ बच्चों के साथ गिटार बजा रहे हैं। अरुणिता के साथ वाला बच्चा पवन के पास जाने की जिद करता है और अरुणिता जब पवन की तरफ पहुंचती है तो पवन को देखकर उन्हीं में खोई जाती है। उसके बाद पवन भी पहली नजर उठाकर अरुणिता को देखते हैं और उन पर दिल हार जाते हैं और यहां से इनकी रोमांटिक स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर रात के वक्त दोनों आग तापते नजर आते हैं। गाने में सीन बहुत ही रोमांटिक दिखाए गए हैं। आप इस गाने को लेकर क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल के एक फोटो ने दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अरुणिता कांचीलाल के फैंस भी इन्हें एक साथ देखने के लिए तरसते और जैसे ये पिक्चर देखी वैसे ही सोशल मीडिया पर शोर शराबा होने लगा। लोग अरुणिता पवन की इस पिक्चर पर तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक दूसरे के सिर से सिर जोड़कर दोनों पोज देते दिखाई दिए और एक दूसरे को निहारते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, हाल ही में एक इवेंट के बाद अरुणिता पास के एक मॉल में घूमने गई थी। यहां इनकी टीम के कुछ और भी सदस्य गए थे और सबने खूब मौज मस्ती की, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया और फोटो शूट भी जम कर लिया। लेकिन जब पवन अरुणिता की एक फ्रेंड इनके पास आई तो फोटो शूट का मजा दोगुना हो गया। तो पवन अरुणिता को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। दोस्त के आने से पवन अरुणिता एक दूसरे के और ज्यादा क्लोज हो गए। पवन अरुणिता एक दूसरे के सिर से सिर जोड़कर फोटो शूट करते दिखाई दिए। दरअसल दोस्त ने फोटो के लिए कहा तो पवन अरुणिता को पास होकर फोटो शूट करवाना ही पड़ा। इस दौरान अरुणिता ने येलो कुर्ता पहना था। भाई उनके पास वही हेडफोन दिखाई दिए जो पवन दीप इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज हैं कि अब दोनों एक दूसरे की चीजें भी खूब इस्तेमाल करते हैं और अरुणिता को तो कई बार पवन की टी शर्ट पहने देखा गया। वहीं पवनदीप वाइट शर्ट पहने दिखाई दी और ये शर्ट अरुणिता की पसंदीदा शर्ट है। अब देखना होगा कब अरुणिता पवनदीप की इस शर्ट को पहनती है। आप इनके इस फोटो के बारे में क्या कहेंगे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।